उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तारीख घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सपा रालोद गठबंधन, फिर बसपा की सूची आने के बाद सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर लगी थी। बीजेपी ने अब पहले चरण के 58 में से 57 तथा दूसरे चरण की 55 में से 48 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने अभी तक कुल 107 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की 105 टिकट में से 60 के करीब विधायकों को दोबारा टिकट दी गई है। इसके साथ ही इस बार 21 नए पार्टी प्रत्याशियों में युवा, महिला तथा डॉक्टरों को भी जोड़ा गया है। आगे आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा धमाका किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी ने सभी अनुमान फेल कर दिए हैं। उनको फिर से गोरखपुर शहर के प्रत्याशी बनाया गया है। माना जा रहा था कि पार्टी योगी आदित्यनाथ को राम नगरी अयोध्या से चुनाव लड़वाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।